सुषमा स्वराज के निधन के बाद आज देश का हर शख्स उनको याद कर रहा है। उनके बचपन की जुड़ी कहानी हो या फिर उनकी राजनीतिक सफर का पहला कदम, आखिर कैसा था बचपन से लेकर के बड़े होने तक का सफर, आइए जानते हैं। पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के निधन के बाद अब हर कोई उनसे जुड़े हुए कुछ पलों को याद कर रहा है। उनका जन्म 14 फरवरी 1952 में हुआ। बचपन में उनका अंदाज सबसे निराला था, जो कि माता पिता से दूर खुले माहौल में बीता, जिसकी वजह से उनके व्यक्तित्व को एक नए अंदाज में उभरने का अवसर मिला। वो खुद बताती थी कि उनका बचपन आम लड़कियों से अलग तरह से गुजरा, जो कि उनका पालन पोषण नाना नानी के यहाँ हुआ। लिहाजा घर से अलग उन्हें नाना नानी के पास ज्यादा आजादी मिली। हालांकि इससे परे अगर बात उनके स्कूल के दिनों की करें, तो वो एनसीसी कैडेट रही और कई डिबेट प्रतियोगिताओं में उन्होंने हिस्सा लिया। सुषमा स्वराज ने स्नातक की डिग्री हासिल की और इसके बाद पंजाब विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री ली। पढ़ाई के दिनों में ही सुषमा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ी और यहीं से उनके राजनीतिक जीवन का आगाज हुआ। बचपन में सुषमा लड़कियों वाला खेल नहीं बल्कि भाइयों के साथ लड़कों वाले खेल खेलती थी। घर से दूर होने के बाद भी सुषमा का बचपन खुशहाल और औरों से अलग रहा था। तो कुछ इस तरीके से था सुषमा स्वराज के बचपन से लेकर उनका सियासी सफर। आज वो नहीं, उनका अंतिम सफर थोड़ी ही देर में शुरू होने जा रहा है। हर शख्स यहाँ पर उनका अंतिम दर्शन कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ साथ देश का हर शख्स नम आंखों से आज उन्हें याद कर रहा है। कैमरा पर्सन राकेश के साथ जबार खान।